तो इस वीडियो में मैं आपको पार्टिकुलर कुछ बेसिक सेटअप बताने वाला हूँ, जिसमें आप प्लेलिस्ट कैसे बनाएंगे, अगर किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के आप वीडियो बनाते हैं तो उसे कैसे कैसे अरेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ एडवांस सेटिंग आपको बताने वाला हूं आपके चैनल में कैसे आप करेंगे, बेसिक सेटिंग बताने वाला हूं आपको। मुझे उम्मीद है जो मैंने पिछली वीडियो को बनाया था आपने उसे देखा होगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बॉल पर क्लिक करें और आप जाके वहाँ उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पार्टिकुलर कुछ बेसिक सेटअप बताने वाला हूं, जिसमें आप प्लेलिस्ट कैसे बनाएंगे, अगर किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के आप वीडियो बनाते हैं तो उसे कैसे कैसे अरेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूं। तो अगर फर्स्ट के वीडियो को आपने देखा है तो उसी के साथ आप फॉलो करें और आप मेरे साथ बने रहें। लगभग 40 से 45 वीडियो मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें जीरो से लेकर कैसे वीडियो क्रिएट करेंगे लेके मोनिटाइजेशन तक मैं आपके साथ हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहें, और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन को क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और इस जनवरी में, इस सफ़र में, इस चैलेंज का नाम 45 डेज मोनेटाइजेशन है, तो इस चैलेंज को आप मेरे साथ फॉलो करेंगे और मैं 100% श्योर हूँ कि आपने मेरे बताए हुए वीडियो को फॉलो किया और उसे आप प्रॉपर 100% इम्प्लीमेंट करते रहें तो जैसा मैंने कमिटमेंट किया है 45 डेज मोनेटाइजेशन का, वो आप कर पाएंगे। आपको इसे मिस नहीं करना है, आपको हर एक वीडियो के साथ बने रहना है। ये मैंने किया है, ये मैं कोई स्टोरी आपको नहीं बता रहा हूँ, मैंने खुद अपने चैनल के साथ 45 डेज के अंदर मोनेटाइजेशन करवाया है। कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण मैं अपने चैनल पे कंटिन्यू नहीं रहता था, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं कंटिन्यू आपके साथ हूँ, आपको हमेशा वैल्यू एडेड कंटेंट देता रहूँगा। और ये चैलेंज हमारा है 45 डेज मोनेटाइजेशन का, तो हम इसके साथ बने रहेंगे, इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ें, चलते हैं बिना समय लिए। मैं आपको लेके चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप के डिस्प्ले पे, और बेसिक एडवांस सेटअप की बात करेंगे। आपने चैनल बना लिया, उसमें जो रिक्वायरमेंट है, YouTube चैनल, YouTube एल्गोरिथम कैसे काम करता है, उसके कैसे सिस्टम है, उनको सिस्टम से हम फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें अगर चैनल मोनेटाइज कराना है तो हमें YouTube के एल्गोरिथम को फॉलो करना पड़ेगा, उनके सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने लैपटॉप के डिस्प्ले पे बिना आपका समय लिए। इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब स्टूडियो के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, अभी हमने नया चैनल क्रिएट किया है, तो यहाँ पे हमारे करंट सब्सक्राइबर जीरो हैं, और डैशबोर्ड है, ये पूरा डैशबोर्ड है, आप देख पा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे वीडियो जो आप अपलोड करेंगे वो यहाँ पे ये वीडियो दिखेगी। अगर आपने जैसे ये प्लेलिस्ट है, जैसे आप कैटेगरीज वाइज वीडियो बनाएंगे, जैसे मान लीजिए SEO की आपने एक वीडियो बना ली, एक पूरी सीरीज बना ली है, सोशल मीडिया की एक पूरी सीरीज बना ली है, फेसबुक की एक आपने पूरी सीरीज बना ली, एक लिंक्डइन की पूरी सीरीज बना ली, ऐसे भी आप की निश जो है, जैसे आप ट्रेनर हैं या हेल्थ की निश है, तो आप जैसे आप किसी मेडिसिन का एक बनाते हैं या कोई एक प्रोडक्ट का बना रहे हैं, तो आपने एक प्लेलिस्ट बना लिया कि उस प्लेलिस्ट में बस प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारे सब्सक्राइबर या व्यूअर हमारे चैनल पे आते हैं, तो अगर एक प्लेलिस्ट की वीडियो को देखते हैं तो यूट्यूब ऑटो मोड में प्लेलिस्ट के दूसरे वीडियो को रेकमेंड करता है। तो प्लेलिस्ट बहुत अच्छी चीज़ है, आपको प्लेलिस्ट यूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर चैनल। और नेक्स्ट पे बात करेंगे हम लोग प्लेलिस्ट में, चैनल वीडियो में मैं यहाँ पे हूँ एक्चुअली। चलिए, यहाँ पे प्लेलिस्ट में एनालिटिक्स जो क्या है, एनालिटिक्स बहुत पावरफुल टूल्स है यूट्यूब का, जिसमें आपको आपके चैनल के रिव्यू पता चलेंगे कि आपकी जो चैनल की रीच है लोगों तक कैसे पहुँच रही है। एक्चुअली ये चैनल नया है तो यहाँ पे कोई स्टेटस नहीं है, रीच कैसे लोगों तक पहुँची है, उसका डेट क्या है, ट्रैफिक के सोर्स क्या है, ट्रैफिक एक्सटर्नल है, यूट्यूब के इंटरनल एंगेजमेंट का मतलब है, ये सारी जो वाच टाइम आवर है, एवरेज कैसे वाच टाइम आपको मिल रहा है, और ये सारी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे कार्ड जो है। मैं कार्ड के बारे में थोड़ा डीपली बात करूंगा, थोड़ा आगे चलूंगा उसके बारे में, मैं आपको बताऊंगा। टॉप वीडियो बाय इंड स्क्रीन है, आपके इंड स्क्रीन के बारे में मैं थोड़ा डीपली बातें करूंगा। तो टॉप एंड स्क्रीन एलिमेंट टाइप में भी थोड़ा डिस्कस करूंगा नेक्स्ट में, मैं वन बाय वन चीजें आपसे शेयर करूंगा। ऑडियंस जो आपके हैं, ऑडियंस का एज, जेंडर क्या है, कौन सी कंट्री में देखे जा रहे हैं,
टॉप सबटाइटल सीसी लैंग्वेज का मतलब होता है आप अपने वीडियो को दुनिया के कई लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये बहुत पावरफुल टूल्स है। आप अगर चाहते हैं आपके वीडियो की रीच मतलब केवल इंडिया में नहीं बाहर के देशों में भी जाए तो आपको इसको यूज करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट के कुछ वीडियो के बाद मैं इस पर थोड़ी डिटेल डिस्कस करूंगा। कमेंट्स में है, कमेंट्स में आप देखिए यहाँ पे कमेंट्स जो है पब्लिश्ड है, होल्ड पर रिव्यू है, लाइक स्पम है। तो ये जब तक आप इसको कमेंट्स जो आपको आएगा आप जब तक उसको देखेंगे नहीं आप उसको रिव्यू या पब्लिश नहीं हो सकता है। ये ऑटोमोटिव मैंने सेट कर दिया है कि जैसे ही कोई कमेंट्स करता है आप जब तक नहीं देख लेंगे वो कमेंट्स नहीं होगा पब्लिश। एक्चुअली मैं एक चीज आप लोगों से एडिशनल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किसी भी यूट्यूब के चैनल में आपको वो अच्छा लगता है या बुरा लगता है आप बेवजह कोई भी स्पम मैसेज नहीं डालें, क्योंकि अगर उस चैनल वाले ने आप अगर ऑलरेडी आपका चैनल है यूट्यूब पे अगर उसने कंप्लेन कर दिया तो यूट्यूब मॉडरेटर जो है बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। तो आप किसी में फालतू के बारे में किसी के भी चैनल पे जाके कोई गाली नहीं लिखे, कोई अब्यूज वर्ड नहीं लिखे, कोई रॉन्ग वर्ड्स नहीं लिखे। ये चीज को आप हमेशा ध्यान रखें क्योंकि एक बार यूट्यूब में आपकी चैनल अगर वो परमानेंटली बैन कर देंगे तो प्लीज 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 आप इन चीजों को नहीं करें। सबटाइटल पे हम लोग बात करेंगे। अब देखिए मोनेटाइजेशन की मैं बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे यूट्यूब का सिस्टम है कि आपके 12 महीने के अंदर में और 1000 सब्सक्राइबर होंगे और 1000 सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए 12 महीने के अंदर, साथ ही साथ आपका 4000 वॉच आवर जो है वो भी 12 महीने के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर मान लीजिए मैंने अपना चैनल अभी मई 2018 में बनाया और मई 2019 तक मेरे 1000 वॉच आवर रहेंगे तो और फिर मई 2019 से लेके मई 2020 तक मेरे 5000 वॉच आवर हुए। तो मैं एक चीज आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1000 जो आपने मई 2018 से मैं थोड़ा सा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे बताऊंगा तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। मैं एक पेज लेता हूँ, पेज पे आपको बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको जानने के लिए। मैं ऑफिस पे आता हूँ, मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए जैसे मान लीजिए आपने अपना चैनल बनाया मई 2018 में, ओके मई 2018 में आपके जो थे वो थे 2000 वॉच आवर, ओके वॉच आवर्स। अब क्या हुआ, मई 2018 से मई 2019 तक आपके जो वॉच आवर थे सेम रहे, आपने कोई वीडियो नहीं डाला और आपके 2000 वॉच आवर ऐसे मई 2018 से 2019 के बीच में हुए आपके। फिर क्या हुआ, आपने मई आपने जुलाई 2019 में अगर आपने फिर आप एक्टिव हो गए यूट्यूब पे और आपने वीडियो डालना शुरू किया तो जुलाई 2019 से लेके जुलाई 2020 तक आपके टोटल ये मिला के 4000 वॉच आवर हुए, ओके अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, आपका जो ये 2000 वॉच आवर है आपने 2018-19 में इसको गेन किया था, लेकिन आपका जो एक्चुअली यूट्यूब के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग माना जाएगा वो जुलाई 2019 से जुलाई 2020 के जो जब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जुलाई 2020 में आपको YouTube ने कहा कि भाई आपका चैनल मोनेटाइजेशन होगा, ठीक है आपको लगा कि चलो मेरे तो 4000 वॉच आवर हो गए मेरा चैनल तो मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 4000 जो आपने अचीव किया ये 2018 से लेके 2020 तक, इसमें से जो मई 2018 से लेके मई 2019 तक जो 2000 आपने वॉच आवर गेन किया था वो जीरो हो जाएगा। आपका काउंट होगा जुलाई 2000 से लेके जुलाई 2020 के बीच में जितने आपने वॉच आवर गेन किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग यूट्यूब आपका चैनल का मोनेटाइजेशन करेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक साल के अंदर 4000 वॉच आवर गेन नहीं किए तो आपकी चैनल फिर से डीमोनेटाइज हो जाएगी। तो इसको आप नोट कर ले, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑडियो लाइब्रेरी में जाते हैं। देखिए ऑडियो लाइब्रेरी में अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल में कोई साउंड इफेक्ट मुझे ऐड करना है, एक्चुअली देखिए मार्केट में प्रॉब्लम ये होता है कि मार्केट से हम लोग ले लेते हैं और उसे ऐड कर देते हैं,
बाद में कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब के खुद के बहुत सारे साउंड इफेक्ट हैं, आप यहां से डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए बहुत सारे हैं, मुझे लगता है कि मतलब अनलिमिटेड है, मुझे लगता है कि 500,000 से ऊपर होंगे। तो अगर आपको अपना चैनल में म्यूजिक ऐड करना है तो आप यूट्यूब से ही वो म्यूजिक ले लें, उस पर कॉपीराइट का क्लेम नहीं होगा। और हमेशा ध्यान रखें कॉपीराइट की प्रॉब्लम से, क्योंकि वो एक कॉपीराइट होगा तो वो उसका जो वॉच आवर है वो आपको नहीं मिलेगा। तो हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान रखें। सेटिंग पे अगर जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग पे, ये पूरे इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ और आगे हम लोग अपलोडिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे। देखिए जनरल पे जाएंगे तो आपका जो मोनेटाइजेशन के बाद जो पैसा आएगा यूएस डॉलर में आएगा, यूएस डॉलर ही ऑप्शन है यहाँ पे। INR भी आप डाल सकते हैं, मैं देखता हूँ INR। देखिए INR है यहाँ पे, INR है। तो यह चैनल जो है, चैनल का जो आपको कीवर्ड मैंने बताया था, जो आपके चैनल का कीवर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड चैनल का कैसे लेंगे नेक्स्ट के वीडियो में, आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल के कीवर्ड कहां से लेंगे। ओके, अपलोड डिफॉल्ट में है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड हो और टाइटल डिफॉल्ट मोड में रहे, डिस्क्रिप्शन डिफॉल्ट मोड में रहे, तो आप चाहेंगे तो यहाँ टाइप कर देंगे, तो जब भी आपकी वीडियो लोड होगी तो डिफॉल्ट मोड में वो डिस्क्रिप्शन आएगा। एक्चुअली अलग अलग वीडियो के अलग अलग टाइटल डिस्क्रिप्शन होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसे डिफॉल्ट मोड में करना चाहिए। यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक लिस्टेड जो कर पाएंगे, यहाँ पे टैग डाल सकते हैं। ये डिफॉल्ट मोड में नहीं करने की जरूरत है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि बार बार जब हम वीडियो बनाते हैं ना, सबके अलग अलग टैग टाइटल विजिबिलिटी होती है। परमिशन में है, देखिए मैं यहाँ अकाउंट का ओनर हूँ, मैं चाहूँगा तो मैं किसी को भी अपने अकाउंट का ऑथोराइज कर सकता हूँ कि मेरे वो लीड कैंपेन को मेंटेन कर ले, मेरे अकाउंट को वो दूसरा कोई ऑपरेट कर ले। तो यहाँ पे जब आप इनवाइट करेंगे, यहाँ पे इनवाइट करेंगे तो उनका ईमेल आईडी और उनका, आप उनको जैसे एज ए मैनेजर उनको हायर करेंगे, आप एज ए एडिटर करेंगे, एज ए व्यूअर करेंगे या एज ए व्यूअर लिमिटेड करेंगे। तो अगर आपको ऐड वगैरह चलाने के लिए है तो आप उनको एज ए मैनेजर कर सकते हैं, एडिटर करेंगे तो बस वो चीज़ें आपके चैनल आर्ट वगैरह सब लिख पाएंगे, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए ये हम लोग अभी कैंसिल मैं करता हूँ, मुझे नहीं करना है। देखिए कम्युनिटी गाइडलाइंस में है आपके मॉडरेटर कौन है और आपका ऐड का अप्रूव्ड यूज़र कौन है, जिसको मैंने आपको बताया था, हिडन यूज़र कौन है। ये ऐसे ही आप डिफॉल्ट छोड़ दें, अगर आपको लगता है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मुझे ब्लॉक कर देने चाहिए, तो आप यहाँ पे वो टाइप करके वो वर्ड को ब्लॉक कर पाएंगे। मुझे कैंसिल करना है। ओके, तो मैं देखिए यहाँ पे आ गया। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं बात करूँगा आपसे कि आपके अपने कीवर्ड के जो टैग है वो कहाँ से लेंगे। मुझे उम्मीद है मैं जितने एज पॉसिबल है, मैं चाहता हूँ कि जो मैं जानता हूँ वो जानकारी मैं आपको बता दूँ। और मैंने पहले भी बोला है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर आप बारीकी से देख के समझ जाएंगे तो मैं श्योर हूँ कि आपको किसी भी का भी YouTube चैनल की कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे नोटिफाई मी वेन आई एलिजिबल, जब आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर हो जाएगा तो YouTube आपको ऑटो मोड में नोटिफाई करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में जो चीज़ें आपको बताई हैं आपको समझ में आए। कोशिश करता हूँ हमेशा आपको कि सिंपल से सिंपल वर्ड में आपको एक्सप्लेन करूं, जिससे कि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए, वो कंटेंट आपको आसानी में समझ में आए, वो ट्रिक्स आप आसानी में समझ पाएँ और सेटिंग समझ पाएँ। तो मेरे साथ बने रहें। दो वीडियो मैंने इस सीरीज में आपको दिया है। पहला वीडियो मैंने बताया था हाउ टू क्रिएट योर यूट्यूब चैनल, और दूसरा वीडियो है हाउ टू क्रिएट योर चैनल आर्ट। और नेक्स्ट की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि बेसिक के एडवांस सेटअप क्या है, आपके चैनल में क्या क्या एडवांस सेटअप होने चाहिए जो कि YouTube के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हो, उस पर हम बात करेंगे। तो आप वेट करें, मैं बहुत जल्दी तीसरी वीडियो में डालने वाला हूं। आपका प्यार मेरे साथ हमेशा बना हुआ है, आप मुझे इतना पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं, मेरी फैमिली ग्रो कर रही है, मेरी फैमिली इतनी आगे बढ़ रही है, वो मेरे कंटेंट को इतना वैल्यू दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ बने रहें इस सफ़र में और मैं हमेशा आपको वैल्यू कंटेंट डिलीवर करता रहूँगा। तो मेरे तीसरे वीडियो का वेट करें, इंतज़ार करें,
मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको देने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। आप अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रहें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन को क्लिक करें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, और आप उसे शेयर करके आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर को वो वैल्यू दे सकते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका कोई एक ब्रांडेड यूट्यूब चैनल हो, उनके पास कोई टॉपिक हो, उनके पास कोई सब्जेक्ट हो, उनके पास कुछ ऐसे एक्सपर्टीज़ हो जो चाहते हैं हम सोसाइटी में ग्रो करें, सोसाइटी को दें, तो आप इसके साथ ये कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।